मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बीना में 1000 बेड वाले नवनिर्मित अस्थायी कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया और कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बैठक की। सागर के बीना में नवनिर्मित 1000 बिस्तर के कोविड अस्पताल के बनने के सागर, विदिशा, अशोकनगर और गुना सहित लगभग आसपास के कई जिलों में इसका फायदा मिलेगा। कोविड मरीजों के लिए यह अस्पताल काफी उपयोगी साबित होगा। यहां पर बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य चल रहा है। बताया जा रहा है कि बीना रिफाइनरी की इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर मरीजों के लिए उपयोग में लाया जाएगा। यह एक बड़ा प्रोजेक्ट है। प्रदेश का यह पहला ऑक्सीजन सप्लाई आधारित अस्पताल है, जहां पर पलंग तक ऑक्सीजन पाइप लाइन रहेगी। यह अस्पताल सर्व सुविधा युक्त बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बीना में 1000 बेड वाले नवनिर्मित अस्थायी कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। मैं धन्यवाद देता हूँ मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री जी को। हम लोग सब लगे हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़े। कभी बिना रिफाइनरी की जो गैसियस फॉर्म पे ऑक्सीजन यहाँ इंटरनल यूज के लिए रहती थी, कभी हम लोगों को आवश्यकता नहीं थी उसको मरीजों की काम पे लाने के लिए। लेकिन हमारे देश की डॉक्टर्स और टेक्नोक्रेट दोनों ने मिलकर ये समाधान निकाला कि ये भी संभव हो सकता है, जिसके तहत मध्य प्रदेश शासन और बिना रिफाइनरी दोनों मिलकर 200 बेड के हॉस्पिटल को बनाएंगे। लेकिन आगे चल के 3000 बोतल प्रतिदिन जुम्बो साइज की लगभग 25 मेट्रिक टन की प्रतिदिन सप्लाई चेन की यहाँ है स्थायी रूप में मध्य प्रदेश की मेडिकल इको सिस्टम पे। पेट्रोलियम मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। उनके सहयोग से इस बीना रिफाइनरी में जो हमारे पास ऑक्सीजन उपलब्ध है, उस पर आधारित कोविड के अस्पताल का निर्माण तो हो ही रहा है, काम तेजी से चल रहा है। और जिस तेजी से काम चल रहा है, हमें विश्वास है कि 25 मई को हमारे अस्पताल का एक फेज लगभग 200 बिस्तर का हम मरीजों के उपचार के लिए उपलब्ध करा पाएंगे। प्रसन्नता की बात यह है कि यहाँ की जो ऑक्सीजन थी उसका टेस्ट हो गया और मेडिकली यूज के लिए वो परफेक्ट है, मरीजों के लिए वो बिल्कुल उपयुक्त है। तो ये अस्पताल का हमारा फर्स्ट फेज 25 मई तक उपचार करना प्रारंभ कर देगा और आगे भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए लगातार जैसी आवश्यकता होगी वैसा जारी रखेंगे। तैयारियां परफेक्ट है, परिपूर्ण है। लेकिन आज मंत्री जी का मैं इसलिए और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि यहाँ ऑक्सीजन की और उपलब्धता है। 90-90 मीट्रिक टन के लगभग 91 मीट्रिक टन के दो ऑक्सीजन प्लांट यहाँ है और अगर यहाँ बॉटलिंग प्लांट की स्थापना हो जाएगी तो यहाँ से ऑक्सीजन को सिलेंडर में भर के हम दूसरे स्थानों पर भी भेज पाएंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।